पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों को याद करने से उन्हें मोक्ष, हमें धन, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। इसी कामना के साथ आज हुआ पितरों का विसर्जन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में अपने परिजनों को याद करने से, उनके नाम से पूजा पाठ दान करने से जहाँ पितरों को शांति मिलती है, वहीं उनके परिजनों को धन, वैभव, सुख शांति की प्राप्ति होती है। हम आपको बता दें, पितरों को विदाई देने का वक्त आ गया है। सोमवार को पितृपक्ष का जहाँ अंतिम दिन रहा, वहीं मंगलवार को छोड़कर बुधवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रही है। इस साल नवरात्रि देवी साधकों एवं उपासकों के लिए वरदान स्वरूप बनकर आ रही है। यह पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में होता है कि जैसे पितृपक्ष कितने समय से कितने समय तक है। आज पितृपक्ष का अमावस्या चल रहा है, कल जो है 11:11 तक अमावस्या दोपहर तक रहेगा और परसों जो है नवरात्र का पहला दिन होता है। इसलिए गैपिंग हो जाती है कि हमारे आने जाने में या पितरों के भी विसर्जन करने में जाने में कुछ समय लगते हैं, इसलिए उतने गैप कर देते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि हम जो है सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म में ज्योतिष जो कहती है उसके अनुसार हम चलते रहते हैं, करते रहते हैं। और पितरों का विसर्जन बहुत महत्व रखता है। पितरों के विसर्जन में लेख में तो यहाँ तक लिखा है कि धन और धान्य सब कुछ हम संपन्न होते हैं अगर पितृ विसर्जन के मार्जन और तर्पण करते हैं, तो हमें सब संपदा मिलती है। जो इच्छा करें हम मनमाही, इस जग में दुर्लभ कछु नाही। ये सारे हमारे पितर अगर संतुष्ट हैं तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार मिलते रहते हैं।